हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। खुदावन, आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता, आपके बेटे और बेटियाँ हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करने के आए हुए हैं पिता परमेश्वर, उनको कभी निराश मत करना, उनको खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि पिता आपके जीवन में आपको बरकत देने जा रहा है पिता, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। सभी लोग मेरे प्रिय भाई बहनों मिलकर के परमेश्वर को आदर के साथ महिमा के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करिए, खुदावंद को धन्यवाद करिए। सभी लोग मिलकर के बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय, क्योंकि परमेश्वर हमेशा विजय है और परमेश्वर हमेशा अनंत काल तक है, वो हमें जीवन आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, प्रभु आपकी स्तुति हो कि खुदावंद आपके जीवन में आज काम करने के लिए उपस्थित है। और हर एक मसीह भाई में इस प्रार्थना को और वचन को बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदावंद आपको हर पल हर मुसीबत से, हर के कमियों से बचाने वाला वो खुदा है, वो आपको बरकत देने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। यदि आप परमेश्वर के प्रति प्रेम कर रखते हैं, प्यार करते हैं, तो खुदावंद आपकी जिंदगी को ढेरों बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए कभी भी घबराना नहीं, कभी भी चिंतित मत होना, क्योंकि खुदा आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं खुदा देखने वाला है, वो सुनने वाला है, वो आपको जीवन देने वाला है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मेरे प्रियो, पहले आइए देखते हैं वचन को, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं हमेशा की तरह। और परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेर सारी गवाहियां देने जा रहा है, ढेर सारी बरकतें आपको जीवन में देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, लिखा है, उस रात की अभिलाषा ना कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिट जाते हैं। आज हमें किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं रखनी अपने अंदर, मतलब ऐसी चीजें जो हमारे अंदर से हट करके बाहर की हो, बातें इससे बाहर की बातें हों, वो हमें कभी किसी चीज से कोई मतलब नहीं रखना है। यदि हमको परमेश्वर से प्रेम करना है, प्यार करना है, तो उससे प्रेम करिए, उसके वचन से प्रेम करिए और अपने समाज के लोगों से प्रेम रखिए, क्योंकि खुदावंद यही कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत फिर, तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि आज जो अनर्थ काम रहे, जो होते हैं हमारे जीवन में, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा परमेश्वर के प्रेम करने वाला हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे कोई ना कोई गलतियां जरूर हो जाती हैं, लेकिन हमें उसको कम से कम ला करके बहुत कम करना है उन गलतियों को। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन, चाहे आप नए हैं, चाहे आप पुराने हैं, आप बहुत दिन से मसीह में बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आपके जीवन में गवाहियाँ नहीं होती हैं, लेकिन खुदा आपको गवाही देगा, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ देगा। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, दुख है, चिंताएं हैं, मुसीबत है, आपके घर में, आपके माता पिता भाई बहनों के और हस्बैंड और वाइफ के बीच में अनेकों प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, वो आपके आपके परिवार पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने परिवार का माहौल बना के रखते हैं और कैसे परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, और खुदावंद आपकी जिंदगी को छुएगा। इसीलिए अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, अपने मन की हर एक बातों को, हर एक दुख को, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को आपको बताना होगा। तो इन बातों से आप सहमत होंगे, आप परमेश्वर से बताइए अपने मन की, अपने घर की बातें, अपने हर एक विचार बताइए, क्योंकि आज यदि आप खुल करके नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग नहीं करेगा, आपको आशीषित नहीं करेगा, आपके बच्चों को बरकत नहीं देगा, अपने आपके बच्चों को बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा वो परमेश्वर। यदि अपने मन के दिल, अपने मन को यदि साफ रखते हैं, किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं रखते अपने मन में, तो परमेश्वर आपको बिल्कुल भी ब्लेसिंग करेगा, बहुत ढेर सारी बरकतें आपको देगा। जो भी आप काम करेंगे उसमें परमेश्वर आपको सफलता देगा, आपको आशीषित करेगा, आपकी मदद करेगा परमेश्वर। इसीलिए आपको हमेशा धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा है, देख परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है। आज हम देखते हैं परमेश्वर से सामर्थ भरा और कोई नहीं है, क्योंकि वही
राजा है वही हमारा सब कुछ है। इसीलिए वो परमेश्वर जो हमारा है वो सबसे बड़ा सामर्थ्य है और वही हर एक काम को करता है और उसके समान और कोई शिक्षक नहीं है। इस बात को कभी भी इनकार मत करिएगा। उससे बड़ा शिक्षक हमारे जीवन में और कोई नहीं हो सकता है क्योंकि वो हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, दुख से, तकलीफ से, मुसीबतों से, अनेक प्रकार की चिंताओं से, अनेक प्रकार की समस्याओं से सिर्फ वो ही बचाने वाला खुदा है। तो आप उस पर बिलीव करिए क्योंकि उससे बड़ा ना ही कोई शिक्षक है, ना ही कोई उससे बड़ा परमेश्वर, यानी हमारा परमेश्वर वो भगवान जिसे हम कहते हैं, उससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता है। वही खुदावंद है, उसने हमें जीवन दिया है। ना ही उससे बड़ा कोई सामर्थ हो सकता है जिसके पास सामर्थ है, और ना ही उससे बड़ा कोई शिक्षक हो सकता है, ना ही उससे बड़ा ज्ञानवान कोई हो सकता है। तो इसीलिए अपने मन में जो भी वहम है उसको बाहर निकालिए क्योंकि वही सामर्थ्य परमेश्वर है, वही शिक्षक है, उससे बड़ा और कोई हमारे संसार में, इस पृथ्वी पर या फिर स्वर्ग में नहीं हो सकता है। सिर्फ एक है परमेश्वर। इसीलिए याद रखना, परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से हमेशा परिपूर्ण किया है। इसीलिए अपने बच्चे के जीवन में बुद्धि और शिक्षक से अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आप परमेश्वर से कहिए कि खुदावन, मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के कर्ता, धर्ता, उद्धार करता, जीवन देने वाले, सब मनुष्यों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए मेरे बच्चों के जीवन में उनके पास इच्छा नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप इस तरीके से परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपके बच्चों को, आपके घर को, आपको संभालेगा। इसलिए परमेश्वर से कभी भी अपने मन की बातों को मत छुपाना क्योंकि वो हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर एक बातों को सुनने वाला वही होता है। जैसे आप एक पिता की बातों को, जैसे आपके फादर्स हैं, आपके माता पिता हैं, अपने मन की बातों को यदि उनसे आप शेयर करते हैं तो आपके माता पिता ये नहीं कहते कि बेटा ठीक है, मैं इन बातों से बहुत नाराज हूँ, चलिए ठीक है जो आपने किया उसको ठीक है करते हैं, लेकिन दोबारा गलती मत करना, मैं इस बातों को समझता हूँ। इसीलिए जैसे पिता आपका सपोर्ट करता है कि सृष्टि में, संसार में, मानव जाति के बीच में रह करके, उसी तरीके वो तो जीवन देने वाला है, वो तो आशीष देने वाला है, वो तो हमें संभालने वाला है, उसने हमें श्वासें दी हैं हर पल, हर समय, हर घड़ी, तो वो क्या हमारे गुनाहों को, अपराधों को नहीं क्षमा कर सकता है? जब हमारे माता पिता संसारिक होकर के वो क्षमा कर सकते हैं, वो तो का उद्धार करता है, जीवन का, हर एक मनुष्य का, जितने भी आज पृथ्वी पर आप देख रहे हैं सबका कर्ता धर्ता उद्धार करता है, तो वो क्या आपके अपराधों को, गुनाहों को नहीं क्षमा करेगा? इसीलिए अपने मन की बातों को हमेशा शेयर करना परमेश्वर से। इसीलिए अपने मन की बातों को खोल करके कहना कि खुदा मुझे ये चाहिए, मुझे आपसे चाहिए। जैसे आप अपने माता पिता से ये जिद करते हैं कि नहीं पिता, पिताजी मुझे ये चाहिए, या भी आप किसी भी भाषा में आप बोलते हैं मुझे ये चाहिए, तो आपके पिता ये कहते हैं कि ठीक है बेटा मैं आपको दूंगा, लेकिन उसी तरीके वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि जैसे आपका, जैसे आपके माता पिता होते हैं, आप बहुत छोटे हैं और आपकी वो इच्छा पूरी करना तो चाहते हैं लेकिन आप उस योग्य नहीं हैं, तो आपका पिता कभी आपको नहीं देगा क्योंकि आप उस योग्य पहले बनिए। इसीलिए हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी इन बातों से एग्री करना चाहिए, सहमत होना चाहिए। कभी भी आक्रोश में आकर के, आवेश को खो करके, कभी इन बातों को हमें गलत या नाजायज फायदा कभी भी नहीं उठाना चाहिए। चाहे वो आपके माता पिता हों, आपके आस पड़ोस हों, चाहे वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले मेरे प्रिय, मेरे भाई और बहन हों, कोई भी हो, आज आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, निराशा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा यदि इन बातों को आप सहमत हैं। तो परमेश्वर आपके बच्चों को संभालने वाला है। इस सुंदर से समय के लिए जो आप जितने मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, सभी मसीह भाई बहनों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग जुड़ें, और लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करें, प्यार करें, और इस कलीसिया को आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। इसीलिए परमेश्वर ने यह भी कहा है, उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना स्मरण रख। क्या कहा परमेश्वर ने यहाँ पे?
जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। आज हमें क्या करना है? परमेश्वर की प्रशंसा करना है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है। क्यों? आप कहेंगे प्रशंसा क्यों करना है, उसकी महिमा क्यों करना है? क्योंकि वो हमें जीवन देने वाला है, हमें आशीष देने वाला है, हमारे घर को, हमारे बच्चों को, सभी को संभालने वाला वही है। जब वो हमारा सब कुछ है तो हम उसकी प्रशंसा क्यों ना करें। बहुत मसीह भाई बहन हैं आज वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की बातों को लोगों तक शेयर करते हैं, बताते हैं। तो आज बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य रखना है, आपका विश्वास रखना है, क्योंकि खुदा आपके बच्चों को, आपको बहुत ढेर सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी महिमा करना, उसके कामों को हमेशा स्मरण रखना। स्मरण रखने का मतलब ये होता है कि याद रखना अपने जीवन में कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको सांसें दी हैं, आपके जीवन में जो भी कार्य हैं परमेश्वर उसमें आपकी मदद करेगा, ये कहता है परमेश्वर। इसीलिए बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं। सभी लोग से निवेदन है और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना। आपने यहां तक वचन को तो सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो प्रार्थना को ग्रहण करना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? आप परमेश्वर को समय नहीं दे सकते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कैसे समय देगा? परमेश्वर तो यही देखता है कि आपका दिल कैसा है, आपका मन कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपकी मेंटलिटी कैसी है। तो ये परमेश्वर आपको देखता है। यदि परमेश्वर ये कहता है कि ठीक है मेरे बेटे, मैं तुझे आशीषित करूँगा, आपको बरकत दूंगा। यदि एक सांसारिक बात से आप समझ लीजिए, जैसे आपका पिता है, आप दो भाई हैं, आपका पिता कहता है, एक उसमें अच्छा लड़का होता है, एक गलत कार्य करता है, जो पिता की बातों को इग्नोर कर देता, नहीं सुनता है, तो पिता किससे प्रेम करेगा? आप इस अच्छी तरीके से समझते हैं, जो अच्छा लड़का होगा, जो पिता की बातों से सहमत होगा, मानेगा, उससे प्रेम करेगा, तो पिता भी आपसे प्रेम करेगा। और जो बुरा लड़का है, पिता की बातों को अनसुना कर देता है, इग्नोर कर देता है, उनकी बातों को नहीं सुनता है, तो परमेश्वर का ये भी कहता है, जब तुम मेरी बातों को नहीं सुनते हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे काम कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, परमेश्वर इतना दयालु है, इतना परमेश्वर महिमावान है कि परमेश्वर आपके घर में हमेशा बरकत देता है, आपको आशीष रखता है। कितने भी बड़े गलत आप काम कर लें, लेकिन परमेश्वर आपको सुधरने का मौका देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप धैर्य रखना, विश्वास रखना, इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें, अपने अंगों पर हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको छुड़ाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अपना हाथ जो भी मसीह भाई बहन किसी के ऊपर रखना चाहता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार रखें, अपने बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखें और अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए प्रार्थना करें, अपने बेटियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे सके। और जो पति पत्नी इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपको ग्रहण करें, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। पिता परमेश्वर, आज वो आपके बच्चे हैं पिता, आप उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आज आप उनको छुड़ाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में रखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जितने लोग, जितने भी बहनें आपके जीवन पर, यानी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को लेकर के खुदा आप उन्हें आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, सुख और आनंद की ज्योति मेरे जीवन में जलाइए पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन आप मुझे आशीष करने वाले हैं, मेरे बच्चों को आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। जीवन में भय छाया हुआ है पिता परमेश्वर, अशांति है पिता परमेश्वर, दुख है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर, मैं परेशानी से, अनेक प्रकार के अंधकार को मेरे जीवन से दूर करें पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की समस्याओं से मुझे आजाद करें पिता परमेश्वर। आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद आपने मुझे सांसें दी है, आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुख और शांति की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। विचार में जो भी हमारे मन और
विचार में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसे हमारे परिवार से, हमारे घर से और पति और पत्नी के बीच से दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, और आत्मा की पवित्रता प्रदान करें पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जीवन देने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है कि खुदावंद आज हमारे जीवन को आप रिसीव करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार को आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर प्रकार के नकारात्मक, हर प्रकार के शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, चाहे वो पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर, चाहे हम पति और पत्नी के बीच में हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के असाध रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी जुखाम बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर ही बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय निगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही है पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीट और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई नासरी के नाम से। हर प्रकार के मधु, जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे हैं पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद आना पिता परमेश्वर, बीपी ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर, काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं परमेश्वर, आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं पिता, आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझ पर मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपका हमेशा कि प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम है पिता, आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर, परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे मुझे, इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं, आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर, पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर, मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर मैं जानता हूं, और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं आने जाने अनजाने में पिता परमेश्वर आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर, आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो, पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूँ, आपके वचन को सीखता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर,
क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यह परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला यीशु नासरी के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियाँ रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है, जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफे हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है सुनासरी के नाम से, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया, जितने भी आपके बेटे और बेटियां इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हर एक प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। विश्वास रखना, यदि आज हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, अपने जीवन का अनेक प्रकार के सुख का स्रोत जानते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना। आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके, परमेश्वर की स्तुति हो सके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना, खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार आपके जीवन को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो सर दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर भेज सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा जीवन में आपकी खुशियां देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और खुदावंद से प्रार्थना करते रहना, खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग कर सके, ढेर सारा प्यार दे सके। यीशु नासरी के नाम से विधा परमेश्वर, आमीन।